विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत बाबा भूतनाथ मंदिर परिसर में बुधवार की सुबह करीब 8 बजे अचानक कुछ महिलाएं एक शख्स को पकड़कर उसकी पिटाई करने पर उतारू हो गईं। एक महिला ने कॉलर तक पकड़ लिया। शख्स का नाम तिरुपति यादव बताया गया, जो आरजेडी का प्रदेश सचिव है। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। आरजेडी नेता की महिला से पिटाई होता देख उसके साथ ही मौके से भाग गए। आरजेडी नेता पर महिलाओं ने अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। आरजेडी नेता तिरुपति यादव को पकड़ लिया और धक्का मुक्की होने लगी। ये सब कुछ मंदिर परिसर में ही होता रहा। इस दौरान किसी ने वीडियो भी बना लिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि महिला अपने परिवार के साथ मंदिर में पूजा करने गई थी। आरजेडी नेता अपने दोस्तों के साथ मंदिर में बैठा हुआ था। महिला पर नजर पड़ते ही उसने कुछ कह दिया। वीडियो में महिला ये भी कह रही है कि झूठ बोलिएगा तो फैट चला देंगे। वहीं वीडियो में तिरुपति यादव को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हम लोग आपस में बात कर रहे थे। महिलाओं का आरोप है कि पहले भी मोहल्ले की बहु बेटियां पूजा करने मंदिर में आई हैं तो तिरुपति यादव द्वारा गाली गलौज की गई है। घटना के बाद विश्वविद्यालय थाना से विवेक जायसवाल अपने दल बल के साथ मंदिर परिसर पहुंचे। हालांकि मामला ठंडा हो चुका था। अनुसंधान के लिए सीसीटीवी कैमरे को खंगालने की बात कही जा रही है। थाना में किसी तरह का केस नहीं हुआ है। इस मामले में तिरुपति यादव का कहना है कि आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली बात बेबुनियाद है। पहले इस मंदिर में अराजक तत्व का जमावड़ा लगता था, उसे हम लोगों ने खत्म किया। अब हम लोग इस मंदिर की देखभाल में लगे हुए हैं। शायद यहाँ के कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा है, जिसके चलते हम लोगों पर ये गलत लांछन लगाकर एक महिला को आगे कर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में भागलपुर के जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव से फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि तिरुपति पर कार्रवाई करनी है, ये प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। मंदिर के संस्थापक राहुल पचेरीवाला ने कहा कि हम लोगों ने मंदिर को जीर्ण शीर्ण अवस्था से काफ़ी सौंदर्यकृत मंदिर के रूप में लाने का प्रयास किया है। शायद लोगों को ये नागवार लग रहा है। उन्हें लग रहा है कि इन लोगों को इस मंदिर पर आधिपत्य हो गया है, जिसके चलते ये कहानी रची गई है।